अस्सलाम वालेकुम रिवर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री श्री लाइव व्लॉग्स। तो आज हम बना रहे हैं जर्दा। तो हमें इसके लिए चाहिए लौंग, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची। और ये हमने पैन में कहते हैं पानी डाल दिया। अब ये हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें मसाले डालें ऐड कर देंगे। और ये देख, ये अब हमने इसमें येलो कलर ऐड कर दिया था। तो अब ये देखें, ये हमारा ये सारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये हमने राइस ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अब हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम देसी घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये देखें, ये मेल्ट हो रहा है। ये अब हम इसमें 2-3 मोटी इलायचियाँ डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इलायची को, इलायची से बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसमें एक लौंग, एक दालचीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसे मेल्ट होने के लिए रखेंगे। तो अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, जिससे ये बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बन जाता है। तो आप भी बनाएं और ये डालें। ये देखें, इसकी उबाली आ रही है। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून लेमन ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें अब हम राइस ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसे 15 मिनट का दम रखेंगे। ये देखें, 15 मिनट के दम के बाद देखें कितना बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। देखें, हर सारे चावल खिले हुए हैं। आप भी ट्राई करें। और ये देखें, हमने फिश आउट कर लिया है। ये देख, हमारे चैनल